मॉन्स्टर्स, ये टीवीएन का के ड्रामा है, इसके 6 एपिसोड है और यकीन नहीं मानोगे सिर्फ 33 मिनट का एक एपिसोड है, जिसमें सिर्फ मार्वल की तरफ 5-5 मिनट की नंबरिंग है। शो के सारे एपिसोड इकट्ठे रिलीज हुए थे और कोरिया से बाहर ही फिलहाल सिर्फ व्यू ऐप पर अवेलेबल है। तो कहानी की बात करेंगे तो ये मिस्टीरियस है, सुपर नेचुरल है, थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश की गई है। तो एक जिनियंग सिटी है, वहाँ का एक गवर्नर अपने पॉलिटिकल कैरियर को उठाने के लिए और थोड़ी शहर की पॉपुलैरिटी बनाने, शहर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए ऐसी मूर्ति खोज के निकाल लेता है जमीन में से जिसे नहीं निकलना चाहिए था। वो एक बुद्धा की मूर्ति है जो इसपे तिब्बतन लैंग्वेज में सील लगी हुई है और उसके अंदर बुरी आत्माओं को कैद करके डाला हुआ। अब वो मूर्ति बाहर आती है, बाहर आती है जैसे ही जिसकी नजर पड़ी है उसकी आंखों पे बुद्धा की, उसने इवन आत्मा ने उनके दिमाग पे कंट्रोल कर लिया है, उन्हें हेलुसिनेशन दिखाती है, उन्हें उन चीजों को दिखाया जाता है जिससे उन्हें डर लगता है, जिसे वो मारना चाहते हैं। तो वो पागलों की तरह ज़ॉम्बियों की तरह कत्ल करने लग जाते हैं, एक्चुअल में वो ज़ॉम्बी नहीं है, बुरी आत्मा के कंट्रोल में। तो यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर रात को ब्लैक रेन हो जाती है जिससे लोगों को शक पड़ जाता है कि ये ब्लैक रेन उस मूर्ति के कारण है नहीं है, पर उसको दबाने की कोशिश की जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि उस मूर्ति को एक एग्जीबिशन सेंटर में रख दिया गया है और बहुत सारे लोग उसकी आत्मा को देखती आंखों को देखेंगे बुद्धा की और सबके सब जाएंगे काम से। तो शुरू होने से पहले ही ये सब एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ही कुछ मॉन्क्स को पता लग जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कुछ होता नहीं है। तभी उनकी मुलाकात हमारे हीरो से होती है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका नाम है जुंग की हुन। वो एक रिसर्चर है जो बुद्धा के बारे में ही रिसर्च कर रहा होता है, बुद्धा से जुड़ी चीजों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। उसकी एक एक्स वाइफ है जो एक लेक्चरर है और वो उसका नाम है ली सुन जिन, वो भी इसी के साथ मतलब अपने पति के साथ एक्स पति के साथ रिसर्च कर रही होती है। इन दोनों का रिश्ता कैसे टूटा हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है जब इनकी आत्माओं को कंट्रोल कर लिया जाता है ईवल आत्मा द्वारा। और इसमें एक माँ बेटे की जोड़ी है जिसमें से माँ पुलिस वाली है, उन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। और एक व्यक्ति है जो गुंडा गर्दी करता रहता है, जेल से अभी छूट के आया है और जैसे ही आत्माएं लोगों को कंट्रोल कर लेगी वो अपनी गुंडा गर्दी शुरू कर देगा दिखाना और वो उस पुलिस वाले के लड़की को बहुत मारता रहता है। उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई है फ्लैशबैक के थ्रू जब आत्माएं कंट्रोल करना शुरू कर देती है या वैसे ही जनरल एपिसोड शुरू होती है दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वही ह्यूमन सेल्फिशनेस, जब मुसीबत आती है तो अपनी अपनी ताकत दिखाने लग जाते हैं, यही सब दिखाने की कोशिश की गई है। इस शो को देखते हुए मुझे डार्क होल शो की याद आ गई जो पिछले साल में ही एयर हुआ था ओसीएन पे, उसके 12 एपिसोड थे 1 घंटे के, उसकी भी सेम कहानी थी, बस उसमें बुद्धा वाला चीज हटा दो बाकी सब सेम था, तकरीबन सेम था। वो भी थोड़ा स्लो और बोर करने लग जाता है। ये 6 एपिसोड है, इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट भी आता है, जब ऐसे इंटरेस्ट आने लगता है एपिसोड मुक जाता है, 5 मिनट की नंबरिंग पता नहीं कितने मिनट की थी शुरू हो जाती है, फिर अगले एपिसोड में अलग शुरू हो जाता है। कोशिश की गई है कुछ नया करने की बुद्धा को बीच में डाल के पर सफल नहीं हुए हैं। एंड में इन्होंने क्लिप हैंगर भी छोड़ा है छोटा सा, वो कहानी खत्म हो चुकी है पर वो नई कहानी शुरू करने की कोशिश की गई है सीजन 2 बनाने के लिए। पहली कहानी को इस शो में खत्म कर दिया गया 6 एपिसोड में, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्शन है, खून खराबा है, आत्मा है और उनको कैसे रोकेंगे वैसे पता ही होगा, अगर डार्क होल देखा है तो कैसे रोकेंगे, कुछ नया नहीं है, वही तंत्र मंत्र बुद्धा के बोलेंगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। CGI का इस्तेमाल ठीक ठाक है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है और ये थोड़ा रश लगता है शो क्योंकि 6 एपिसोड है 33 मिनट के, क्या उम्मीद रखोगे। फिर भी डायरेक्टर राइटर ने जितना भी काम किया है ठीक है, पर आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला कभी कुछ ऐसा देखा नहीं होगा, कि जैसे मैं बता रहा हूँ डार्क होल पहले एग्जिस्ट करता है, उन्हीं का शो है, उसी कंपनी का। तो ठीक है, अगर आप देखना चाहो कुछ हॉरर सुपर नेचुरल कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, पर बिना उम्मीदों के देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो मैं ऐसे 7.6 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।